नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश के साथ रीवा में एनसीसी दिवस रीवा के मार्तंड स्कूल में मनाया गया। हम आपको बता दें, हर साल नवंबर के चौथे रविवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई एनसीसी टीम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मार्तंड स्कूल के मैदान में मनाया गया एनसीसी का 74वां वर्षगांठ दिवस। यह दिवस नवंबर के चौथे रविवार को हर साल मनाया जाता है। हम आपको बता दें, सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट का 74वां वर्षगांठ मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। जहां आज पूरे देश एनसीसी दिवस मना रहा है, वहीं भारत में 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस कड़ी में आज रीवा में स्थापित मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रीवा के अधीन संचालित एनसीसी कैडेटों ने एनसीसी दिवस की 74वीं वर्षगांठ शासकीय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड स्कूल के मैदान में एकत्रित होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस गरिमामय आयोजन में खास तौर से मध्य प्रदेश बटालियन रीवा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह खास तौर से मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कैडेट्स, एएनओ, सैन्य अधिकारी, कर्मचारियों और सिविल स्टाफ अधिकारी को एनसीसी दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी। सभी को शपथ दिलाते हुए अपने उद्बोधन में एनसीसी के योगदान का जिक्र करते हुए बताया, व्यक्तित्व के सर्वगीण विकास में एनसीसी का बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्र सेवा में समर्पित यह संस्था प्राकृतिक, अप्राकृतिक आपदा तथा समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सदैव अग्रणी रही है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश सिंह से हमने बात की। आज एनसीसी का 74वां वर्षगांठ जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, इसी तहत यहाँ पर आज हम एकत्रित हुए हैं। यहाँ कैडेट्स, एनओज और पीआई स्टाफ जो हमारे बीच में है, हम मार्तंड क्रमांक 1, 2, 3 और गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1, 2 के कैडेट्स यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में यहाँ पर एक जन अवेयरनेस रैली जो आम नागरिक को जागरूक करेगी कि नशा एक देश को किस प्रकार से खोखला किया जा रहा है और युवा पीढ़ी किस प्रकार से अपने लक्ष्य एम से विचलित हो रहे हैं। ये रैली मार्तंड क्रमांक 3 से लेकर सीपी प्लाजा होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, यहाँ सिरमौर चौराहे होते तकरीबन मैक्सिमम रीवा के जगहों को कवर करेगी और आम नागरिक को संबोधित करेगी। ये कितना बड़ा अभिशाप के तौर पे देखा जा रहा है जिसमें आज हमारी युवा पीढ़ी लीन हो गई है या लिप्त हो गई है और इसके बिना उनको कुछ और नहीं सोचता है और इसका कितना पेरेंट्स के ऊपर और आर्थिक स्थिति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी में अपने माँ बाप का नाम, जिन्होंने इतनी मेहनत करके उनको इस जगह तक पहुँचाया है, इस नशे से दूर रहें और जिसके भी लायक हैं अपना लक्ष्य और देश बनाएं और देश की प्रगति में योगदान दें और ताकि देश का निर्माण, क्योंकि कल वो देश के भावी नागरिक हैं और देश को चलाने की क्षमता रहे और उसको सहयोग देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।